बहुजन समाज पार्टी ने जब से अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से कांग्रेस के नेता लगातार मायावती को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस जानती है कि अगर बीजेपी को यूपी में टक्कर देनी है तो बसपा को गठबंधन में साथ रखना जरूरी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही खुलकर मायावती के साथ गठबंधन करने की बात नहीं करते, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि बसपा का मौजूदा 17-20% वोट चुनावी रिजल्ट बदल सकता है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के दरवाजे खुले हैं। अब मायावती को यह तय करना है कि आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहती हैं या फिर अकेले अपने दम पर। अविनाश पांडे ने सपा के साथ सीटों को लेकर चल रहे गतिरोध को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पूरे दिल से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है और जल्द ही सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। इस बीच समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट कर सूबे की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि सपा बसपा आरजेडी जब तक कांग्रेस के चंगुल कांग्रेस के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उनका नुकसान होता ही रहेगा। सत्ता के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाएंगे बल्कि धीरे धीरे आरएसएस के गुलाम बन जाएंगे।